नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा। तो सैलरी की जो वीडियो बनाई थी उससे काफ़ी डिमांड आ गई है कि TADA का फॉर्म कैसे भरा जाता है वो बताइए। तो सबसे पहले आप देखिए, TADA का जो फॉर्म है ये इस तरीके का होता है, जो कहीं भी आपके SP ऑफिस के सामने या आपके लाइन के आसपास फोटोकॉपी की दुकान पर अवेलेबल हो जाएगा। और अगर अवेलेबल नहीं होता तो हम देखते हैं आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं और इसको किस तरीके से भरा जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से TADA अलाउंस फॉर्म फिल किया जाता है। ये मैंने एक भर के तैयार कर लिया है पूरा, इसको मैं आपको समझाऊंगा कैसे भरा जाता है। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप इसको अपने हाथ से भी सेम मॉडल जैसे बना हुआ है, अगर आपके ज़िले में प्रिंटेड नहीं मिलता तो सेम मॉडल आप अपने हाथ से भी इसको बना सकते हैं। ये हाथ से बना हुआ भी माना जाएगा। उसके बाद इसको भरना स्टार्ट कर देना। भरेगा कुछ ऐसे जैसे कि आपकी ड्यूटी लगी हापुड़ से बरेली, हापुड़ में आपकी तैनाती है और बरेली, ये सब डिटेल भर देना बाद में, भरने के बाद या पहले भर लेना। तो आप 1 तारीख को जैसे गए और GD में आप 17 बजे रवाना हुए, तो ये प्रस्थान वाला डेट है, डेट एंड टाइम। उसके बाद हापुड़ से कहाँ को बरेली, और यात्रा का कारण है VIP ड्यूटी या मुजरिम ड्यूटी या जो भी कारण है, जैसे डाक लेके गए या जो भी है, किस्म सवारी क्या है, बस से गए हम, किलोमीटर है जैसे हापुड़ से बरेली 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर हो गया, धनराशि आपने 200 रुपये मांगी, फिर आगे GD नंबर है, GD में से आप नोट करते रहना जब आपकी ड्यूटी लगे बाद में, क्योंकि GD दूसरी बदल जाती है। तो जब आपकी ड्यूटी लगे, ड्यूटी से आने के बाद GD नंबर जाने का और आने का दोनों नोट कर लेना। उसके बाद जैसे आप VIP ड्यूटी करने के बाद 5 तारीख को वहाँ से लौटे और सुबह 10 बजे आपकी वापसी हो गई, तो कहाँ से, बरेली से वापस कहाँ से आए, हापुड़ के लिए वापस आए, कारण VIP ड्यूटी, जैसे कि अगर प्रधानमंत्री में लगी है या मुख्यमंत्री VIP ड्यूटी लगी है, वापस आए, मुजरिम ड्यूटी लगी है, तो जितने भी डेट को आएंगे, डेट आगमन का और समय वो डाल के, फिर किस्म सवारी रोडवेज 200 किलोमीटर था, 200 रुपये आपने मांगे, फिर जैसे हापुड़ पुलिस लाइन से जैसे जाते वक्त पुलिस लाइन से और बस स्टैंड तक आपने रिक्शा किया तो 2 किलोमीटर वो पड़ा, आपने उसके 20 रुपये मांगे रिक्शे के, और वापसी आते वक्त हापुड़ रोडवेज से पुलिस लाइन वापस आने का रिक्शा कराया, 2 किलोमीटर फिर से पड़ा, 20 रुपये आपने वो मांगे, फिर 30 पैसा मैंने बताया था अपनी सैलरी वाली वीडियो में, अगर सब इंस्पेक्टर है तो 50 पैसा, वरना कांस्टेबल का 30 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से, 404 किलोमीटर का माइलेज, 404 × 30 तो 121 पॉइंट कुछ बैठेगा, मैंने राउंड फिगर के लिए 120 ले लिया तो 120 ये बैठा, और फिर 390, जैसे बरेली है फर्स्ट क्लास सिटी है तो 390 रुपये पर डे के हिसाब से, ये कांस्टेबल का DA कितना, जैसे कि 1 तारीख को आप गए शाम को 5 बजे तो 2, 3, 4 और 5 को आ गए, तो ये वैसे 3 दिन बैठते हैं पूरे पूरे, लेकिन आप 1 दिन फालतू करके चलिए अगर, क्योंकि आप शाम को 7 बजे निकले हैं, मतलब 5 बजे निकले हैं और फिर बीच में रात वगैरह पड़ी है तो, और उसमें 10 बजे आए हैं, तो 1 दिन आपका मान्य हो सकता है, अगर नहीं मान्य होगा तो बाबूजी इसको ठीक करके 3 कर देंगे। आप 4 गिन के चलिए, 390 × 4 1560 रुपये का आपका DA बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अगर ये सवारी आप रोड मतलब उससे गवर्नमेंट व्हीकल से जा रहे हैं तो आपको ये TA नहीं मिलेगा, फिर DA मिलेगा, TA नहीं मिलेगा, ये माइलेज और DA तब भी मिलेगा 1560 रुपये। फिर इसका मैंने टोटल किया, टोटल होगा 2120 रुपये, 2120 रुपये होके अगर आप थाने में हैं तो थाने में GD अप्रूव कराइए, SSR से अप्रूव कराइए, थाने का जो पैरोकार जाता है वो लेके चला जाएगा, फिर वहाँ से CO अंकित शाखा जो थाने के उसके इंचार्ज होंगे वो उसको अप्रूव करके और उसमें चला जाएगा ट्रेजरी में, अप्रूव होके आगे चला जाएगा और फिर अकाउंट में बाद में अप्रूव होके आ जाएगा। और अगर लाइन में है तो लाइन में अपने GD पे अपना सबमिट कर दीजिए, GD से सबमिट होगा और उसके बाद लाइन के जो हैं RI साहब उनसे सबमिट होगा और उनके बाद जो CO अंक होंगे जिनके अंडर में लाइन होगे वो उसको अप्रूव करेंगे और उसके बाद वो उसमें चला जाएगा, फिर वहाँ से वेरीफाई होगा, कप्तान साहब से वेरीफाई होगा, फिर ट्रेजरी चला जाएगा, फिर वहाँ से आपके अकाउंट में आ जाएगा। अकाउंट में आने का कोई ड्यूरेशन नहीं है, इसका एक दूसरा तरीका है जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, तो आपके जो भी साथी हैं उनसे पूछ लेना कि दूसरी तरीके से नक्शा कैसे पास होता है, वो बता देंगे। तो डायरेक्ट नक्शा पास होता है और एक प्रोसीजर के थ्रू होता है, तो प्रोसीजर के थ्रू आने में टाइम लग जाता है, और अगर पूरी साल में भी नहीं आया पैसा तो मार्च में क्लोजिंग होती है तो उस क्लोजिंग में आना ही आना है, बाकी सारी डिटेल्स आपको भरनी है, खाता संख्या और रिपोर्ट। और अगर जैसे कि आप, ये तो एक ड्यूटी हो गई, और ज़्यादा ड्यूटी हैं
तो आपकी इसमें कितनी ड्यूटी आ सकती हैं, 1, 2, 3 रिक्शा किराया वगैरह लगा के ये डीए जोड़ के यहाँ तक ये भर गया, एक ख़त्म हो गया, फिर दूसरा वाला नक्शा उठाओ, फिर उसको जितनी आपकी ड्यूटी है, जैसे 3 महीने का आप लगातार भर रहे हो, तो ऐसे करके 6-7 नक्शे हो सकते हैं, तो 6-7 नक्शे भर के और उसका सारा प्रोसेस थाने का और लाइन का वही रहेगा। नक्शे जितने अलग अलग पेज के हो जाएं, जैसे ये भर जाएगा तो जितना इसमें विवरण किया है, जैसे इसमें 2 यात्रा आई तो उसका ये पैसा मांगा, ये डीए भरा और डीए भरने के बाद, और ये जो माइलेज भरना है ये एक नक्शे में एक ही बार दिखाना है, जितने किलोमीटर यहाँ पे आ जाएं वो किलोमीटर टोटल जोड़ के और उसका माइलेज यहाँ जो भी किलोमीटर बने 30 पैसे से गुणा करके उसका रुपए लिख के, और एक नक्शे में जितनी आपकी यात्रा आ जाए वो यहीं पे ख़त्म करके यहाँ एक नक्शे का टोटल यहीं पे होना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से भरते चले जाएं और फिर वो कंटिन्यू कर दें अगले नक्शे में, कंटिन्यू कर दें अगले नक्शे में। इसमें अगर 3 यात्रा आ रही हैं, जैसे एक यहाँ तक आ गई, दूसरी यहाँ तक आ गई, तो 2 का टोटल यहाँ करके और एक नक्शा ख़त्म, फिर तब दूसरा नक्शा शुरू करना है भरना। फिर इसमें 2 यात्राएं आ गई, जैसे आप 3 महीने का कंटिन्यू भर रहे हो, तो फिर उसका टोटल करके ये अलग नक्शा होगा, ये अलग से अप्रूव होगा, सारे नक्शे अलग अलग अप्रूव होंगे, फिर तीसरा नक्शा, चौथा नक्शा, जितनी भी आपके यात्राएं हैं 5, 6, 7, 8 जो भी हैं वो भर लेने। अगर आप गनर हैं तो गनर में जीडी नंबर वगैरह रवानगी नहीं होती है, जीडी नंबर नहीं होती, मतलब जीडी नंबर से रवानगी नहीं होती, वो तो एक बार हो चुकी होती है, तो उसका नक्शा सेम इसी तरीके से भरा जाएगा, बस उसमें जीडी नंबर नहीं पड़ेगा, उसमें कारण बताना होगा कि मतलब विधायक जी के, और उसमें मैंने यात्रा की तो यात्रा इतनी और इतने दिन में बाहर रहा, मतलब अपने विधायक जी के सर्कल से। अगर आप शहर से बाहर हैं तो पर डे का डी बनेगा ही बनेगा, और अगर सिटी से कहीं लखनऊ वगैरह विधायक से ट्रेवल करते हैं तो गनरी का उसी हिसाब से भर के देना है, और भर के वही लाइन में जमा कर देना है, लाइन से अप्रूव होके और चला जाएगा, और डायरेक्ट का तरीका अपने साथियों से पूछ लेना डायरेक्ट कैसे होता है। अगर ये ना मिले तो इस तरीके से बनाना, इसमें ये ज़रूर दर्शाना है आपको, श्रीमान जी प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी का इन सभी यात्राओं का यह प्रथम यात्रा भत्ता नक्शा है, मतलब जो इसमें विवरण दिया, इससे पहले इसका कोई नक्शा नहीं भरा गया है, नक्शा में दर्शाई गई सभी यात्रा कार्य सरकार हेतु की गई हैं, नक्शा में अंकित सभी जीडी नंबर सही हैं, फिर वही नाम, तैनाती, जिला, आईएफएससी कोड, ये डिटेल भर देनी है, इधर ये पद व नाम, वेतन, खाता संख्या, PNO, फोन, आईएफएससी कोड, जिला, फ़ोन नंबर, और ऊपर वही तैनाती, जिला और सन, मतलब डेट डाल देना, अकाउंट नंबर क्या है, ये पद व नाम यहाँ पे एक लाइन खींचेगी, ये सारी डिटेल यहाँ पे आनी है, ना कि यहाँ पे लिखा जाना, और यही प्रस्थान आगमन यहाँ पे लिखा जाएगा, दिनांक यहाँ पे लिखा जाएगा, समय यहाँ पे, दिनांक समय, तो ये सब डलता है कहाँ से कहाँ को, कर्ण यात्रा, किस्म सवारी, ये जैसे कि ये मैंने भरा हुआ है, तो इस तरीके से आपका ये नक्शा भरा जाता है। आशा करता हूँ जो आपको ये पूरा डिटेल में समझाया है आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और देखिए कमेंट सेक्शन में जिन क्वेश्चंस का आंसर मुझे पता होता है उन्हीं का आंसर मैं दे पाता हूँ, कुछों का दे पा सकता हूँ तो ज़्यादा कमेंट्स होने की वजह से नहीं दे पाता हूँ, और कुछों का आंसर, जैसे कि एक पूछ लिया था कि नाइट ड्यूटी का ओवर टाइम मिलता है या नहीं, एक पूछ लिया था कि यूट्यूब से आपका कितनी कमाई होती है, और एक पूछ लिया था कि मेरिट कितनी घट सकती है, तो ये तीनों ही क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जिन्हें देखते ही ऐसा लगा पता नहीं ये ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने बताया था कि 24 घंटे की ड्यूटी ली जा सकती है और 48 घंटे तक कभी कभी ड्यूटी चली जाती है, 3-3 दिन तक ड्यूटी चली जाती है जब अगर मुजरिम बाहर कमान लेके जा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा यहाँ ओवर टाइम नहीं मिलता है, या आपको देखना है आपको डिपार्टमेंट में आना या नहीं आना, ओवर टाइम संडे मंडे या कुछ नहीं है, साल में 52 तो संडे होते हैं, 30 छुट्टी ओनली सेंक्शन होती है, वो भी मिलेंगी मिलेंगी नहीं मिलेंगी, तो और मिलता है कुछ 30 दिनों का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है साल में, बाकी सब भांग के बड़े में चला जाता है, होली दिवाली सब कुछ जाती है, तो ऐसे क्वेश्चंस सबको पता है कि पुलिस 24 घंटे अवेलेबल रहती है और इसके ऊपर आंदोलन वांदोलन चलते रहते हैं, तो और ये मेरिट का मैं कैसे बताऊँ, यूट्यूब की कमाई पूछ रहे हैं, अगर यूट्यूब से इतनी तकड़ी कमाई हो रही होती तो मैं नौकरी क्यों कर रहा होता, ये तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पोर्टल है, और अगर स्पॉन्सरशिप आती है तो कमाई उससे होती है, यूट्यूब से कुछ घंटा भी कमाई नहीं होती। आपको कंटेंट पे ध्यान देना, कंटेंट आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, कौन क्या कितनी कमाई कर रहा है, आप उसके रिलेटेड वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उनको जाके सर्च करिए, और जब वक्त आएगा तो ये सब भी समझाऊंगा मैं
इस चैनल पे नहीं, कोई और चैनल बना के उस पे ये स्टार्ट कर दूंगा पूरा के कैसे यूट्यूब का काम करता। तो समय आने पे इसको एक हैवी पेशेंस अगर आपको मुझसे ही सुनना, वरना देयर आर प्लेंटी ऑफ वीडियोस जहां से आप ये क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। तब तक के लिए करते रहिए देश की सेवा, और आप आते हैं इतना प्यार देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स।